जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं पर इतना जरूर मालूम है, छोटे आदमी बड़े मौके पर काम जरूर आते हैं और बड़ा आदमी जो है वो छोटी सी बात पर अपना औकात दिखा जाता है। ये अपने लाइफ में सब कोई एक बार जरूर ना जरूर फील करेगा या फिर कर चुका है। तो इससे आपको सीख लेना है कि आपको बड़े लोगों के बीच में नहीं रहना है, वरना आप तो बड़े लोगों के बीच में खो जाएंगे। छोटे लोगों को सपोर्ट में लेना है और उनके साथ रहना ताकि कभी भी आपका वो काम आ सके, बहुत बड़ी बात है। और क्लास स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग successki98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और एक बात, किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट आप successki98.net से दे सकते हैं पूरे साल भर के लिए। एक बार अगर आप वो पैकेज लेते हैं तो पूरे साल भर जितना भी एग्जाम आने वाला है, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ, एनटीपीसी सीबीटी 1, सीबीटी 2, एससीसी, बैंक, कोई भी एग्जाम आप पूरा दे सकते हैं। और इसका एप्लीकेशन भी आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आज कवर करने वाले हैं हम लोग 25 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आप सभी को क्लास सुबह में नहीं मिला था कुछ रीजन के वजह से, लेकिन ये क्लास मैं आज अपडेट कर दे रहा हूं क्योंकि आज 25 अगस्त ही है, ठीक है। तो देखते हैं पहला प्रश्न जो है हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला प्रश्न है वो ये है, आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने यूएस यानी अमेरिका के 75 बिलियन अमेरिकी उत्पादों पर जो है वो टैरिफ बढ़ोतरी की घोषणा की है। बहुत बड़ी बात है कि आप देखो, और ऐसा करने वाला कौन देश है, वो चाइना है। आप सभी को पता है चाइना और अमेरिका का जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो अच्छा नहीं है। और चाइना नहीं चाहता है कि अमेरिका का जो प्रोडक्ट है वो चाइना उसके देश में बिक्री हो। ऐसा इंडिया को भी करना चाहिए क्योंकि जब भी मौका आता है चाइना जो है वो इंडिया को कभी सपोर्ट नहीं करता है। और चाइना ही जो है वो अपना अच्छा बिजनेस, जो अच्छा अपना देश का इनकम है, वो भारत से करता है। तो भारत सरकार को भी ऐसा कुछ स्टेप लेना चाहिए ताकि वो देश को डुबा सके और इंडिया जो है वो अपना खुद का उत्पाद कर पाए। इस फैक्टर में, इस कैटेगरी में इंडिया सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। करेंसी क्या है चाइना का, तो बीजिंग है कैपिटल, और करेंसी वहां का मुद्रा क्या, आरएमबी, और वहां के राष्ट्रपति जिनपिंग सभी को पता है। और वहीं बात करें अमेरिका का, तो करेंसी क्या है, वहां पर डॉलर इस्तेमाल किया जाता है, कैपिटल वाशिंगटन डीसी, और राष्ट्रपति कौन है, तो वो है आपका डोनाल्ड ट्रंप। अगर अगले प्रश्न की बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। आप सभी का दूसरा क्वेश्चन है आप सभी के सामने, नवीकरणीय शक्ति के रूप में बिजली उत्पन्न करने के लिए ज्वार और लहर के उपयोग को घोषित करने के प्रस्ताव को जो है वो मंजूरी दे दिया गया है भारत सरकार के तरफ से। यानी अब बिजली उत्पन्न करने के लिए जो है वो टाइडल और वेव का जो है वो प्रयोग किया जाएगा, और ऐसा करने वाला कौन है, हमारा भारत, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, G7 शिखर सम्मेलन जो है वो आप सभी को बताना है ये कहां पर आयोजित होना है, ये आपको बताना है कौन सा देश में। और याद रखिएगा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, G7 समिट कहां पर होने वाला है, तो ये होने वाला है आपका फ्रांस में। और एक बात, यहां पर जो मेन मुद्दा रहने वाला है इस सम्मेलन में वो रहने वाला है कश्मीर का इशू, अमेरिका और ईरान के बीच में जो टेंशन चल रहा है वो इशू, और आपके आतंकवाद को लेकर, और अलग अलग जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यहां पर डिस्कस किया जाएगा जितने भी 7 कंट्री है। और G7 आप सभी को पता है फ्रांस में होने वाला है, और फ्रांस का कैपिटल क्या है, तो वो पेरिस है। मुद्रा क्या इस्तेमाल होता है, तो यूरो CFP फ्रैंक, यहां पर मुद्रा इस्तेमाल की जाती है। और वहां के राष्ट्रपति कौन है, तो इमानुएल मैक्रोन जो है वो फ्रांस के राष्ट्रपति है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, मूडी इन्वेस्टर सर्विस ने जो हाल फिलहाल में जो अभी रिपोर्ट जारी किया है उसके अनुसार चालू वर्ष के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान जो है वो नीचे गिर रहा है, और वो कितना बताया गया है अभी उनके अनुसार, तो इंडिया का GDP कितना रहने वाला, 6.2%। आप सभी को पता है अभी आर्थिक कंडीशन जो है वो बहुत खराब है, भारत का इकोनॉमिक बहुत गिर गया है, और डेली जो है वो रोजगार जा रहा है, 5,000 रोजगार डेली जा रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर बोल लो या टेक्सटाइल बोल लो या अलग अलग सेक्टर बोल लो, सभी बंद हो रहा है और पैसा दिन पर दिन कमजोर हो रहा है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय रेलवे में जो है वो प्लास्टिक के जितने भी आप बोल सकते हो
सामान है जो सामग्री है उस पर प्रतिबंध अब जो है वो भारतीय रेलवे जो है वो लगाने वाला है। और वो किस डेट किस तारीख से लागू हो जाएगा, तो 2 अक्टूबर से जो है वो भारतीय रेल में यानी कोई भी सेक्टर में भारतीय रेल में जो है वो प्लास्टिक पर बैन लगा दिया जाएगा 2 अक्टूबर 2019 से। और आप सभी को पता है 2 अक्टूबर को क्या है, तो उस दिन आपका गांधी जयंती है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, रेलवे द्वारा डबल डेकर उदय एक्सप्रेस जो है वो किस स्थान के बीच चलने के लिए तैयार है। और ये दूसरा डबल डेकर है उदय एक्सप्रेस का, इसके पहले उदय एक्सप्रेस का पहला डबल डेकर लॉन्च किया गया था यात्री एक्सप्रेस के नाम पर जो कोम्बेटूर और आपका बैंगलोर के बीच में स्टार्ट हुआ था। दूसरा जो उदय एक्सप्रेस डबल डेकर स्टार्ट हुआ है वो किस दो स्टेशन के बीच में चलेगा, तो ये चलेगा आपका विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम के बीच में। और रेल मंत्री आप सभी को पता है कौन है, पीयूष गोयल। लेकिन एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर एग्जाम में पूछ देना कि पहला डबल डेकर कौन था भारतीय रेलवे का, तो याद रखिएगा पहला डबल डेकर था आपका शताब्दी एक्सप्रेस जो हावड़ा से धनबाद के बीच में स्टार्ट किया गया था 2011 में। यह आपको याद रखना है, ठीक है, इस क्वेश्चन से जो काफी इंपॉर्टेंट बन रहा है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि हाल ही में किस राज्य ने लगभग 46 लाख परिवार को जो है वो लाभ पहुंचाने के लिए एक स्वास्थ्य बीमा योजना स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है, सरबत सेवा बीमा योजना, और ये चालू किया गया है पंजाब के द्वारा। इसके अंदर ना 46 लाख परिवार को जो है वो मेडिसिन यानी आप सभी बोल सकते हो हेल्थ बीमा योजना जो है वो देने जा रहा है कौन, पंजाब सरकार। यानी हर एक परिवार को 5 लाख तक का बीमा देगा आपका स्वास्थ्य के क्षेत्र में पंजाब, और ये सबसे बड़ा है, इतने परिवार तक पहुंचाने वाला ये पहला राज्य है जो पंजाब है, याद रखिएगा। और ये राजीव गांधी के जो आप सभी को पता है अभी हाल फिलहाल में जो उनका एनिवर्सरी था उनके अवसर पर। और पंजाब के सीएम कौन है, तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, गवर्नर श्री बीपी सिंह भंडोरे, और कैपिटल क्या है, तो वो है आपका चंडीगढ़। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किस वैश्विक स्पोर्ट्स वेयर प्रमुख जिसका नाम क्या है प्यूमा के साथ ब्रांड एंडोर्समेंट के रूप में उसे जो है साइन किया गया है, कौन से खिलाड़ी को जो है वो प्यूमा का ब्रांड एंडोर्समेंट बना दिया गया, और वो है आपका द्युति चंद। और ये बहुत अच्छी बोल सकते हो आपकी, बहुत सारे अभी इंडिया के लिए गोल्ड जीता इन्होंने पता, और ये क्या करती है, दौड़ती है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, क्वेश्चन है आपका, रसल डोमिंगो को अगले 2 वर्ष के लिए किस देश के क्रिकेट टीम का प्रमुख कोच बना दिया गया है, क्रिकेट टीम का, और ये जो कोच बना दिया गया है बांग्लादेश क्रिकेट टीम का, ठीक है। हालांकि ये पहले साउथ अफ्रीका के कोच थे, अभी बांग्लादेश के कोच बन गए, और बांग्लादेश का कैपिटल ढाका, करेंसी मुद्रा टाका, और वहां के प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख हसीना, ये भी आपको याद रखना है इस प्रश्न से। अगला प्रश्न हमारे सामने है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आप सभी को पता है फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, तो निर्मला सीतारमण है। इन्होंने पूरा जो है वो बताया है कि बैंकों में, यहाँ इंटू काट दीजिएगा ट्रांसलेट गलती हुआ है, बैंकों में जो है वो भारत जो है वो 70,000 जो पूंजी है ना वो अब इन्वेस्ट करेगा, ये घोषणा किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के तरफ से, कि बैंक के क्षेत्र में जो है वो 70,000 करोड़ रुपए जो है वो इन्वेस्ट किया जाएगा बैंक में। तो और अगला प्रश्न हमारे सामने है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा जारी रैंकिंग में किस राज्य की मुफ्त दवा योजना ने जो है देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, कौन सा स्टेट है जो मुफ्त दवा योजना में जो है वो टॉप पर है, और वो राज्य कौन सा है, तो वो है आपका राजस्थान। और राजस्थान का कैपिटल जयपुर, गवर्नर कल्याण सिंह, सीएम कौन है, तो अशोक गहलोत वहां की जो है वो मुख्यमंत्री है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 25 अगस्त का, इसका पूरा का पूरा पीडीएफ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से, टेलीग्राम पर भी लिंक शेयर कर दिया गया है तो टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप सभी। और मॉक टेस्ट के लिए आप सक्सेस की 98.net से जाकर दे सकते हैं, हालांकि इसका जो एप्लीकेशन है वो आपको गूगल के प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग, अपना ख्याल रखिएगा और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए, सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में।